हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BM JNP क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 का आज हमारा थर्ड पार्ट होने वाला है और हमने 11 क्वेश्चन के लिए कंप्लीट कर रखा है और उसके आगे के क्वेश्चन के लिए बेटा हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बने रहें क्लास में एंड तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन सही टाइम शाम को 7 बजे पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि आपकी जो क्लास है डेली 7 बजे स्टार्ट हो जाती है शाम को। इसीलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास में टाइम टू टाइम पहुंच जाना चाहिए डेली। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर, आपका यहाँ पर जुड़ने का फायदा ये है, आप जुड़ेंगे तो यहाँ पर आपके लिए कोई भी चैप्टर कराया जा रहा है उसकी PDF, उसके क्वेश्चंस की जो PDF है, कोई टेस्ट हुआ उसकी PDF आपके लिए टेलीग्राम पेज पर सेंड की जाएगी। और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7452905220, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। यहाँ पर अगर आपसे ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप अपने आप ही ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए क्या फायदा होने वाला है, आपका कोई भी डाउट है किसी चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन है आपका, वो वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं, ग्रुप में सेंड करिएगा, आप हमसे पूछ सकते हैं, उसके लिए नेक्स्ट क्लास में आपके लिए एक्सक्लूसिव सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सभी बच्चे जो अभी सेशन में जुड़े हैं, तो सबसे पहले तो लाइक का बटन दबा दें और क्लास को शेयर कर दें, जितनी ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास में शेयर करें, जल्दी से शेयर करें, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे शेयर कर दें, शेयर उन लोगों के लिए करें, उन दोस्तों के लिए जो 2023 जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था हमारा, हाँ, और आपका एक कल बेटा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन था, उसका आंसर हम लोगों का नहीं आ रहा था। अगर आपने क्लास अटेंड की है तो आपने देखा होगा कि उसका आंसर नहीं आ रहा था, तो हमारे मिस्टेक कहाँ हो रही थी, आप अगर क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में क्या था, 1 whole 1/24 था, 1 सही 1/4, 1 सही 1/25, अरिहंत बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी वाली बुक का क्या है क्वेश्चन नंबर 9, वहाँ पर आप देखेंगे और जो मैंने पढ़ाया है उसमें आप देखेंगे, तो मैंने क्वेश्चन लिखा था 1 सही 1/25, लेकिन वास्तव में उसमें था 1 सही 1/24, इसलिए आपका जो आंसर है, सॉरी हमारा जो आंसर है वो क्या हो रहा था, रॉन्ग हो रहा था। ठीक है, तो उसे आप सही कर लेना, बाकी क्या है वैसा ही क्वेश्चन होगा। देखो अब चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्वेश्चन नंबर, जल्दी से बताओ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जल्दी से बताओ कितना आएगा भाई इसका। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में हमें करना है, इन नंबर्स के लिए लगाना है। अब यहां पर समस्या एक बात की ये आ रही है कि बच्चों आपने क्या पढ़ा होगा, आप कहोगे सर हमने नॉर्मली नंबर पढ़े हैं इस तरह के 2, 1, 5 या 3, हम आपसे क्या हैं बेटा, इसके लिए आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा के दिखाओ, मतलब आरोही क्रम में लगा के दिखाओ, तो आप आसानी से लगा दोगे। सर असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, आरोही क्रम ये होता है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, मतलब स्मॉलर से कहाँ जाएंगे, ग्रेटर की तरफ जाएंगे हम, बात समझ में आ रही है, यही कहोगे बिल्कुल। तो यहाँ पर सिंपल नंबर हैं आपके, ये सभी क्या हैं सिंपल नंबर हैं, तो आप आसानी से कर लोगे, 1 लिखा जाएगा सर, उसके बाद में 2 लिखा जाएगा, फिर 3 और ये 5, ये क्या हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, बिल्कुल सही बताया आपने, एकदम से सही हो। लेकिन बच्चों यहाँ पर समस्या एक ये आ रही होगी आप लोगों के लिए कि यहाँ पर कंप्लीट नंबर भी ना देखकर एक किस में दिया हुआ है, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तब कैसे करोगे, देखो चलो भाई डरो मत बिल्कुल भी क्वेश्चन से। देखो आपका 1/3 कॉमा 1/2 कॉमा 0.25, ठीक है, इस तरह के ये नंबर दे रखे हैं और हमें लगाना है किसमें बनाना है, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब आरोही क्रम में। तो देखो इस तरह के जब भी नंबर दे रखे हों, भिन्न के रूप में डेसिमल नंबर दे रखे हों, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में ये नंबर इस तरह से दे रखे हों, तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में दे रखा है, भिन्न के रूप में दे रखा है, तो आप एक काम करो, सिर्फ
सबसे बेस्ट मेथड और बोल सकते हो बेसिक ही यही है, बेसिक है इसका। अगर आपने इसके लिए सीख लिया तो कैसे भी नंबर आ जाए आपके सामने, असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए, तो आप कभी भी आपका जो क्वेश्चन है बेटा क्या होगा, रॉन्ग नहीं होने वाला है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलो अब देख लो कैसे करोगे। 1/3 है। अब आप ये तो जानते हो कोई भी इस तरह से दे रखा हो भिन्न के रूप में, तो क्या करते हैं नीचे वाले से ऑलवेज हम क्या करेंगे ऊपर वाले के लिए डिवाइड करते हैं। ये तो आपके लिए पता होगा, सभी लोगों के लिए ये बात क्लियर होगी, पता होगा कि नीचे वाले से हमेशा क्या करते हैं ऊपर वाले के लिए भाग करते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट कौन सा होता है, ये अंश होता है और ये क्या होता है, हर होता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में ऊपर क्या होगा, न्यूमिरेटर होगा, नीचे कौन सा होगा, डिनोमिनेटर होगा। और डिनोमिनेटर से हमेशा क्या करेंगे बेटा, हम किस में डिवाइड करेंगे, न्यूमिरेटर वाले पार्ट में, ठीक है। अब चलो देखो, अब हमारे सामने एक संख्या ये है एक संख्या ये है, ठीक है। हम तीन से डिवाइड करेंगे एक में, तो तीन से भाग देंगे एक के लिए, तो देखो तीन का जो भाग है वो एक में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि एक क्या है, कम है। तो ऐसी कंडीशन में हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे, बढ़ा लिया। अब ये नंबर जो है इससे छोटा हो गया। अब तीन का अगर इसमें डिवाइड करेंगे, तीन की टेबल इसमें पढ़ेंगे तो पढ़ी जा सकती है, ठीक है। पहले क्या थी, वन जो है थ्री की टेबल में नहीं आता है, कम नंबर था, तो हमने क्या किया पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ा लिया, ठीक है। अब थ्री थ्री जा नाइन, वन बचा, फिर जीरो लगा लो, थ्री थ्री जा नाइन, फिर जीरो लगा लो, वन बचा, जीरो लगा लो, थ्री थ्री जा नाइन, ठीक है। तो आपके लिए क्या करना है, कोई भी अगर आप डिवीजन कर रहे हो, कोई भी आप अगर किसी नंबर के लिए किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो आपका काम बेटा ये है कि आप अगर डेसिमल में आपका क्या आ रहा है, क्वोशेंट निकल के आ रहा है, भागफल निकल के आ रहा है, तो आप पॉइंट के बाद में थ्री प्लेस तक निकालो, सिर्फ थ्री प्लेस तक निकालो, तीन स्थान तक निकालो, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब हमारा पॉइंट थ्री 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 कहाँ से आया, इस वाले नंबर से पॉइंट थ्री 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 निकल कर आया, क्लियर है। अब देखो यहाँ से अब कर लेते हैं इससे इसके लिए डिवाइड। तो देखो देखो भाई, ध्यान से समझना, और जो बच्चे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी आप समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो से करेंगे इसके लिए डिवाइड, किसके लिए, एक के लिए। अब दो क्या है, दो की टेबल में वन आता है, नहीं आता है, और आता तब भी क्या है, हम इसके लिए नहीं कर पाते। कैसे, देखो यहाँ पर क्या है, वन, ये क्या है टू, बड़ा कौन सा है इन दोनों में, ये वाला बड़ा है। जब ये वाला बड़ा हो किससे, इससे, तब क्या करते हैं हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि दो की टेबल हम एक में नहीं पढ़ सकते कभी 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 भी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टू फाइव या टेन हो गया। अब पॉइंट फाइव निकल कर आया इसका, बात क्लियर हो गई, सही है, समझ में आ गया। यहाँ तक किसी का डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो भी जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ, सर हमें यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ परेशानी है, पूछ लिया करो। जहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा है भाई, एक बार नहीं, आप बार बार पूछो, बताया जरूर जाएगा आपके लिए, आज नहीं तो कल नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, लेकिन आप पूछा करो। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, 0.25, ये ऑलरेडी आपका डेसिमल नंबर में चेंज है, ठीक है। तो इसको हमें चेंज करने की आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप भी जानते हो। तो यहाँ से क्या आया, 0.333, ठीक है। इस वाले नंबर का ये निकल कर आया, और यहाँ से 0.5 निकल कर आया, और यहाँ से आपका ऑलरेडी डेसिमल नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब आपके लिए थोड़ी आसानी होगी कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। पहले दिक्कत हो रही थी कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, किस तरह से पहचाने। तो आपके सामने सभी का जो फॉर्मेट है वो एक जैसा हो गया, सभी का जो रूप है वो एक जैसा हो गया, ये भी डेसिमल नंबर, ये भी डेसिमल नंबर, ये भी डेसिमल नंबर, सभी क्या है, दशमलव संख्याएं हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई। अब इसके लिए कैसे करोगे, देखो आप कुछ मत करो, सबसे पहला नंबर लिखा हुआ है लिख लो, उसके जस्ट नीचे से लिख लो, लिख लिया ठीक है, उसके जस्ट नीचे से लिख लो, लिख लिया, बात क्लियर हो गई। अब आपके लिए पहचानना है कि इनमें डेसिमल ये नंबर तो हैं, लेकिन इसमें बड़ा कौन सा है,
कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये हमें पहचान करनी है। अगर हमें ये पहचान हो गई कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो हम आसानी से उसके लिए असेंडिंग ऑर्डर हुआ चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ, मतलब चाहे आरोही क्रम हुआ चाहे अवरोही क्रम हुआ, हम आसानी से उसके लिए लगा लेंगे आरोही या अवरोही में। बात क्लियर हो गई? किसी का डाउट जल्दी बताओ। ठीक है, चलो अब देखो आगे। हमने इतना काम कर लिया, अब हमारा काम यह है पहचानना कि इसमें कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा है। तो देखो, पॉइंट के जस्ट बराबर में, पॉइंट के जस्ट बराबर में जो फर्स्ट प्लेस पर है, जो पहली स्थान पर है, पहला अंक है उसके लिए हमें देखेंगे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, पॉइंट के पहले स्थान पर 3 है, पॉइंट के पहले स्थान पर इस संख्या में 5 है, पॉइंट के पहले स्थान पर इस संख्या में क्या है, 0 है। तो हम यहाँ से थोड़ा पहचान करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हमें यहाँ से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इसमें कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा नंबर है। तो देखो, यहाँ पर 3, 5 और 2 में मैं आपसे कहूँ बेटा 3, 5 और 2 में कौन सा सबसे छोटा नंबर है, तो आप कहोगे सर 3, 5, 2 में 2 सबसे छोटा नंबर है। बात क्लियर हो गई? इसका मतलब क्या हो गया कि जो 0.25 है सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटा नंबर है। मैंने अभी आपके लिए बताया था कि यहाँ से पॉइंट की जस्ट बराबर में जो फर्स्ट डिजिट है राइट हैंड साइड पर सीधे हाथ की तरफ, वहाँ से आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आपके लिए पॉइंट के जस्ट बराबर में देखना है कि कौन सी डिजिट बड़ी है कौन सी डिजिट छोटी है। ठीक है, तो जो डिजिट सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा और जो डिजिट सबसे छोटी होगी वो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? इसका मतलब पॉइंट 2 है 2.5, ये क्या होगा, सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, और हमें आरोही क्रम में लगाना है। इसका मतलब आरोही क्रम क्या कहता है, सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी उससे बड़ी। जिस तरह से आप प्रेयर करते हो, प्रेयर में क्या लाइनअप होते हैं बच्चे, तो सबसे छोटा बच्चा होता है सबसे पहले, उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा ऐसा होता है, वो असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए होते हैं आरोही क्रम में। ठीक, बात क्लियर हो गई? तो ये वाला क्या है, सबसे छोटी हो गई। अब मैं करूँ इससे बड़ी कौन सी है, तो इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 2 से बड़ी कौन सी है, 3, फिर 3 आएगी 0.333। आपको ये नहीं देखना है, आप लोगों के दिमाग में एक बात और भी आ रही होगी कि सर यहाँ पर 333 ये 3 है, 333 है, यहाँ 5 है, ये दिमाग में आ रही होगी। तो आपको यहाँ पर 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये 500 हो गया। बताओ 500 बड़ा है 333 बड़ा है, तो 500 बड़ा होगा नहीं होगा। आप पॉइंट के बाद में बेटा इस तरह से कितने भी 0 लगा दो और चाहे इसके लिए हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपका। बात क्लियर हो गई? चलो अब देखो आगे। तो ये हो गया आपकी सेकंड, और थर्ड वाली कौन सी बची, 0.5। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अब देख लो, 0.25 मतलब सबसे छोटी संख्या ये हो गई। अब 0.333 किसका था, 1/3 का था, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.25 1/3, और 0.5 किसका निकल कर आया था, इस वाली संख्या का था, तो मतलब 1/2। क्लियर है? कोई डाउट कोई समस्या जल्दी से थम्सअप करके बता दो, सर हमें बिल्कुल समझ में आ गया या नहीं आया, जल्दी से थम्सअप करके बताएं सभी बच्चे। ठीक है, बड़े आगे अब चलो, और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा दो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लास को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से करो, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट क्लास आपके लिए 2023 के लिए यहां पर दी जा रही है। आप पुरानी क्लास को उठाकर देख सकते हैं, सारी क्लास में सारे चैप्टर्स हैं उनके सारे क्वेश्चंस के लिए कवर कराया गया है एक तरफ से। एक बार जाकर जरूर देखिएगा, उसके बाद आपका मन हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन भी बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन आपका है 1.25 को भिन्न के रूप में बदलिए। ठीक है, कन्वर्टिंग 1.25 टू फ्रैक्शन गिव्स द रिजल्ट। तो यहां पर देखो, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें हम, तो ये दिया हुआ है 1.25। ठीक है, अगर बेटा मैं आपसे कहूं ये 1.25 है, ये कैसा नंबर है, तो आप क्या कहोगे, ये एक डेसिमल नंबर है, एक
दशमलव वाली संख्या है। इसके लिए क्वेश्चन में कहा गया है कि फ्रैक्शन के रूप में किसमें भिन्न के रूप में चेंज करो। और भिन्न क्या कहती है, भिन्न की पहचान क्या होती है, वह अंश बटे हर के रूप में लिखा होगा, मतलब p अपॉन q के रूप में लिखा होगा, इस तरह से फॉर्मेट में लिखा होगा अंश बटे हर, इस तरह से होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इस तरह के फॉर्मेट में होता है। लेकिन ये डेसिमल नंबर है और इसके लिए हमें किस में चेंज करना है बेटा, भिन्न के रूप में बदलना है, मतलब इसकी शक्ल चेंज करके हमें क्या करना है, इसकी तरह बनाना है, किसकी तरह, अंश बटे हर। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब कैसे करोगे इसके लिए, तो देखो 1.25 दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि हमें बताओ भिन्न के रूप में किस तरह से ये चेंज करोगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, तुरंत अपॉन का साइन लगा दो, लगा दिया, ठीक है। अब पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के जस्ट नीचे आप बन लिख दो, बात क्लियर हो रही है आपके लिए। जब कहा जाए भिन्न के रूप में चेंज करो तो क्या करोगे, अपॉन का साइन लगा दो, लगा दिया। अब पॉइंट के जस्ट नीचे बन लिख दो, लिख दिया। अब पॉइंट की बात की जो डिजिट है, जो अंक है, उनके लिए काउंट कर लो, कितने हो रहे हैं बेटा, आप कहोगे सर एक दो, दो हो रहे हैं। अब दो डिजिट हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, दो जीरो हम नीचे लगा देंगे, बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया सभी के। एक बार फिर समझ लो, पॉइंट के बाद में डिजिट कितनी हो रही है, दो हो रही है, तो हमने दो जीरो लगा दिए। सबसे पहला काम होगा पॉइंट के जस्ट नीचे, उसके जस्ट नीचे आप बन लिख दो और पॉइंट के बाद की डिजिट काउंट कर लो, पॉइंट के बाद की डिजिट कितनी हो रही है, एक ये हो रही है और एक ये हो रही है, इसका मतलब कितनी डिजिट हो रही है, दो हो रही है। अब दो हो रही है तो हमने दो जीरो लगा दिए। सपोज करो कि एक और है डिजिट यहाँ पर, मान लो, मान लिया, तब काउंट करो 1 2 3 3 हो रही है तो एक जीरो और लगा दो, मतलब पॉइंट के बाद में जितनी डिजिट होंगी, चार डिजिट होंगी तो नीचे चार जीरो लगेंगे, पांच डिजिट होंगी तो नीचे पांच जीरो लगेंगे, बात क्लियर हो रही है। तो ये क्या है आपका, इस तरह से आप इसके लिए बना सकते हो, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, पॉइंट रिमूव हो जाएगा, जैसे ही आप पॉइंट के नीचे बन लिखोगे और दो दो डिजिट के लिए काउंट करके दो जीरो लगाओगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, पॉइंट यहाँ से उड़ जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा अब आपके पास में, 125 अपॉन क्या बचा बेटा, 100 बचा, बात क्लियर हो गई। अभी देखो क्वेश्चन में अभी आपका आंसर नहीं आया है, अभी आंसर नहीं आया है, अब देखो कैसे करोगे, क्वेश्चन के लिए और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसका सरलतम रूप में बनाना पड़ेगा। अब बताओ कैसे करके ये कटेगा, देखो देखो मैंने आपके लिए रूल पढ़ाया है, कौन सा, विभाज्यता का नियम पढ़ाया था। अगर आपने वो चैप्टर नंबर 1 था उसे नहीं पढ़ा है तब आपके लिए दिक्कत आएगी, आई थिंक आप कर लोगे, उम्मीद है आपके लिए, जो बच्चे पढ़ने में सही होंगे, जिनका बेस अच्छा होगा वो आसानी से कर लेगा इनके लिए कि सिंप्लीफाई किस तरह से करना है। मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाया था, उसमें सारी चीज़ों को बताया था कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, आप देख कर ही बता सकते हो। सारी चीज़ों के लिए मैंने स्टेप बाई स्टेप छोटी से छोटी चीज़ के लिए मैंने बताया आपके लिए। अब देखो इसके लिए कैसे करोगे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो मैंने बताया था जहाँ पर लास्ट में 0 हो, 5 हो, इसका मतलब वो नंबर, वो पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी, ये मैंने बताया है, ठीक है। तो ये किससे कट जाएगी, 5 से, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 20। अब 0 है और 5 है तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20, तो आपका आ जाएगा 5/4। 5/4 देखते हैं ऑप्शन है कोई, तो 5/4 भी आपका क्या है, ऑप्शन नहीं है, ये आपकी सिंपल फ्रैक्शन है, ये आपकी साधारण भिन्न है। क्वेश्चन में अभी आपका इस तरह से नहीं पूछा गया है, वो कह रहे हैं हम तो इस तरह से नहीं चाहिए हमारे लिए आंसर, हमें मिक्स फ्रैक्शन बताओ, मिश्रित भिन्न बताओ, तो आप कैसे चेंज करोगे, तो इसे भी समझ लो। देखो 5/4 आया, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अभी मैंने बताया था नीचे वाले से ऊपर वाले के लिए बेटा क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, करते हैं डिवाइड, तो क्या करेंगे हम 5 के लिए किससे करेंगे डिवाइड, 4 से, 4 से भाग देना हमें 5 में, तो क्या होगा, 4 एकम 4 और 4 2 8 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 एकम 4 यहाँ से कितना बचेगा, 1 बचा, 1 1 क्या बचा, ये शेष बचा, बचा ये भागफल आ गया आपका, कोशेंट आ गया, ठीक है, और ये क्या है, भाज्य, भाजक, ठीक है, बात समझ में आ रही है, डिवाइजर हो गया, ये कोशेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। अब देखो किस तरह से चेंज करोगे,
आपका काम है मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना, मिश्रित भिन्न में चेंज करना। तो देखो एक कहां लिखोगे, सॉरी ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, ये आपका कैसे लिखा जाता है, भागफल, ठीक है, भागफल यहां लिखोगे और बन ऊपर लिखोगे, बन मतलब शेष, और अपॉन में क्या लिखोगे, भाजक, इस तरह से लिखा जाएगा, सुनना ध्यान से। तो आपका जो शेषफल वाला बेटा पार्ट होगा, जब आप किसी भी संख्या के लिए डिवाइड करोगे तो शेषफल वाला जो पार्ट होगा वो हमेशा कहाँ आएगा, टॉप पर आएगा, मतलब सबसे ऊपर आएगा। तो शेषफल कितना है बेटा, वन, तो वन लिख दिया, अपॉन में भाजक मतलब ये डिवाइजर कितना है, फोर, जिससे हम भाग देते हैं वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और जो शेषफल बचेगा वो हमारा सबसे ऊपर आएगा, और जो भागफल होता है वो कहाँ आएगा बेटा, यहाँ पर, मतलब अपॉन, मतलब इन दोनों के कहाँ, बीच में, वो भी बाएं हाथ की तरफ। बात क्लियर हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, आपका मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, तो चार एकम चार और एक क्या हो जाएगा, पाँच बटे चार। तो आपका अगर बात करें ऑप्शन नंबर, तो देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बेटा आपका जो डी है बिल्कुल सही है। बात क्लियर हो गई, चलो अब देखो आगे क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, भिन्न दे रखी है, फ्रैक्शन में नंबर दे रखे हैं और कहा गया है इसके लिए ऐड करके बताओ, ठीक है। तो देखो इसके लिए भी क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ द फ्रैक्शन 4/3, 5/9 एंड 6/18, इसका हमें सम बताना है, भिन्न दे रखी है, भिन्न क्या है, 4/3 कॉमा 5/9 कॉमा 6/18, ये भिन्न दे रखी है, भिन्न तो है, ये मैंने बताया था अंश अपॉन हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में, न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में, अगर आपके सामने इस तरह का फॉर्मेट बन रहा है तो हमेशा वो क्या होगी, एक भिन्न होगी, एक क्या होगी, फ्रैक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसके लिए ऐड करना है, अब ऐड का मतलब क्या होता है, हमें जोड़ना है, तो ये हमने लिख लिया, फिर प्लस का साइन लगा लिया, फिर 5/9 लिख लिया, प्लस का साइन लगा लिया, 6/18, हमें ये ऐड करना है, हमें जोड़ना है, तो हमने इसके बीच में प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। योग का मतलब ये होता है जोड़ना। अब इसके लिए कैसे सॉल्व करोगे, तो इसके लिए सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है बेटा आपके लिए, ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, इन सभी को आप क्या करो, एक साइड लिख लो, 3/9/18। अब हमने इसके लिए क्यों लिखा है, हमने इसके लिए इसलिए लिखा है क्योंकि हमें इसके लिए इसका एलसीएम निकालना है, इसका लासा निकालना है, ठीक है। लासा आपके लिए पता नहीं मुझे आता है या नहीं आता है, ठीक है, फिर भी मैं आपके लिए समझा देता हूँ। देखो 3, 9 और 18 का जब भी आप फ्रैक्शन के लिए ऐड करोगे, भिन्न के लिए ऐड करोगे, तो जो नीचे वाला पार्ट होता है, डिनोमिनेटर वाला, हर वाला पार्ट होता है, उसका आप बिना सोचे बिना समझे आप क्या कर दो, एलसीएम निकाल दो, लासा निकाल दो। अब देखो लासा कैसे निकलेगा, इस तरह से किया हमने। अब हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे कम से कम एक संख्या कट जाए, एक संख्या डिवाइड हो जाए, मिनिमम वन नंबर क्या हो जाना चाहिए, आपका डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है, चाहे वो 3 हो, चाहे 9 हो, चाहे 18, ऐसा नंबर चूज करना है यहाँ पर कि इसकी टेबल में ये एक नंबर तो आता है, कम से कम एक नंबर आता हो, ज़्यादा ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, एक नंबर आता हो। तो यहाँ पर मैं अगर 3 लिख लूँ तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम हो गया, ठीक है। अब 3 3 हो गया और 3 6 18, 3 एकम 3 हो गया, 3 से हमने किसे किया, 9 में हमने टेबल पढ़ी, 3 3 9 होता है, 3 6 18 होता है, ठीक है। 3 की टेबल में 6 नंबर पर क्या आ रहा था, 18 आ रहा था, 3 की टेबल में 3 नंबर पर क्या आ रहा था, 9 आ रहा था, ठीक है। अब इसी तरह से अब हम देखो किससे करेंगे, 3 से फिर से कर लो, बन तो नहीं होगा, बन में जब नहीं पढ़ी जाएगी तो हम उसके लिए एज इट इज लिख लेंगे, वैसा ही 3 3 3 बन जा और 3 2 जा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बचा, 2 क्यों निकाल लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 2,
ये आया निकल के, और बन की आप मल्टीप्लाई करोगे तो बन ही आएगा, तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो 3 3 जा क्या हो गया 9, और 9 2 जा क्या हो गया 18, और 18 बन जाए 18, मतलब उसका एलसीएम कितना आया बेटा 18 निकल कर आया। ठीक है, हमने इन सभी का एलसीएम निकाला तो 18 आया, बात क्लियर हो गई, सही है। अब चलो आगे, अब देख लो आगे किस तरह से इसके लिए सॉल्व करेंगे। देखो अब हमारा काम क्या होगा, हमने यहाँ पर एलसीएम निकाल लिया। अब देखो हमें सबसे पहले इस वाली फ्रैक्शन में बात करनी है, इस वाली फ्रैक्शन में देखना है, तो कैसे करोगे, जो नीचे वाला पार्ट होता है ये दिख रहा है आपके लिए, हर वाला पार्ट, डिनोमिनेटर वाला पार्ट, इस नंबर से हम इसमें क्या करते हैं, भाग करते हैं, डिवाइड करेंगे। तो आप, मैं कहूँ 3 से आप 18 में भाग दो, तो कैसे करोगे, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, मतलब 6 जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है। ठीक है, फिर जो निकल कर आएगा उसकी क्या करेंगे, ऊपर वाले में बेटा क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर वाला कौन सा है, ये 3 से हमने भाग दिया 18 के लिए, तो 6 आया। फिर जो रिजल्ट निकल कर आएगा, जो भागफल निकल कर आएगा, उसकी हम ऊपर वाले में क्या कर देते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आ गई, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, अब जो प्रोसेस यहाँ पर हुई है, जो काम हमने इसके साथ में किया है, इस भिन्नी के साथ में, सेम प्रोसेस हम आने वाली कितने भी बड़ी भिन्न हो उसके साथ में करने वाले हैं, चाहे माइनस का साइन लगाओ चाहे प्लस का साइन लगाओ। ये कंडीशन कब होगी, जब प्लस और माइनस होगा, ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई होगी, तो उसके लिए थोड़ा चीज़ें चेंज है। अब देखो नीचे वाले से डिवाइड करेंगे इसके लिए, तो कितना आएगा, 9 2 18, 2 आएगा, और 2 की करेंगे ऊपर क्या मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 10। सेम यहाँ पर 18 1 18, 1 आएगा, 1 की करोगे ऊपर मल्टीप्लाई, 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया, इस तरह से आप अपने कॉपी में जब नोट करें तो क्या करना है आपके लिए, इस तरह से ये डिजाइन बना लेनी है, इस तरह से ये आपके लिए याद रहे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब देखो आके, देखो अब क्या करेंगे, हम इन सबको ऐड कर लेंगे, 2410 34 6 40, 40 आया अपॉन में क्या है 18। अब देख लेते हैं आंसर कितना आ रहा है भाई, आपका भी आंसर नहीं आया है, अभी और करना पड़ेगा। अब देखो लास्ट में 0 है, 8 है, तो किसकी किसी कंडीशन बन रही है, 2 से डिवाइड की, तो यहाँ से क्या जाएगा 2 2 20 और 2 9, मतलब 20/9। 20/9 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर इसमें बेटा आपका डी वाला है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आई होप आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इस तरह का क्वेश्चन हमें आप जब भी आएगा आपके सामने, एडिशन सब्सट्रैक्शन कोई भी भिन्न दे रखी होगी तो उसके लिए आप आसानी से ऐड कर लोगे और सब्सट्रैक्ट कर लोगे आसानी से। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अगर आपके लिए समझ में आ गया तो सभी लोग थम्स अप करके एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें, जी सर हमें बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल। सभी लोग एक बार यस लिखें, जिसके लिए समझ में आ रहा है, जिसके लिए नहीं आया वो नो लिखें जल्दी से भाई, कमेंट करते रहो, कमेंट से हमें पता लगता है कि आपके लिए कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। देखो हमारे क्वेश्चन क्या है, एक दिन में जब हमारी क्लास होती है उसमें कम हो रहे हैं क्वेश्चन, कभी 4 होते हैं, कभी 7 होते हैं, तो कभी 6 होते हैं। अब वो किस क्यों होते हैं, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस लेवल का है, और मेरी मैं ये चाहता हूँ कि आपके लिए जब पहली बार में पढ़ाया जाए बेटा, तो सारी चीज़ों के लिए, चाहे कमज़ोर बच्चे हों चाहे स्ट्रांग बच्चे हों, मतलब पढ़ने में अच्छे बच्चे हों चाहे आपके कमज़ोर बच्चे हों, वीक स्टूडेंट हों, तो मेरा यही उद्देश्य है कि छोटी से छोटी चीज़ आपके लिए यहाँ पर एक्सप्लेन की जाए डिटेल में, जिससे जो कमज़ोर स्टूडेंट है उनके लिए कोई दिक्कत ना आए। फिर सेकंड टाइम जब रिवीजन करेंगे तो हमारा सिलेबस है बहुत तेज चलेगा, एक दिन में 2 दिन में चैप्टर निपट जाएगा, तो उम्मीद ये भी है कि एक दिन भी हो सकता है, उसमें क्वेश्चन कराने नहीं है सारे, जब रिवीजन करेंगे तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तभी वही करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है, तो आप ये ना सोचिएगा कि हमारे क्वेश्चन जो है वो कम हो रहे हैं, ये सोचो कि छोटी से छोटी चीज़ आपकी बहुत बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में काम में आने वाली है। अगर ये बेस आपने क्लियर कर लिया तो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन में आपके लिए कोई समस्या नहीं आएगी। तो सभी बच्चे ये ना सोचें कि हमारे जो क्वेश्चन है वो कम हो रहे हैं, ये सोचो कि हमारे लिए कितना अच्छा समझ में आ रहा है, ये सोचो। मेरा ये जब मेरा कारण ये है, मैं ये खुश सोच रहा हूँ कि आपके लिए सारी चीज़ें, कोई डाउट कोई सारी समस्या है वो बिल्कुल आपकी जड़ से खत्म हो जानी चाहिए। अगर जड़ से खत्म हो गई तो नवोदय का मैथ में कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे क्वेश्चंस हैं बेटा वो कम हो रहे हैं, तो इस बात की टेंशन ना ले, और सिलेबस तो भाई आपका हो ही जाएगा, जब चाहेंगे तब करा देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन अमंग 1/4, 1/2, 2/3 और 3/4, 1/4, 1/2, 2/3,
3/4। इसमें से क्या है आपके लिए लार्जेस्ट फैक्टर बतानी है, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है बेटा, इसमें कौन सी होगी। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, कैसे पहचानोगे। तो अभी हमने बात की, क्या हमने बताया, अगर आपके सामने कोई भी फ्रैक्शन दे रखी हो तो आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करके देख लो, डेसिमल नंबर में आप कर लो, चेंज कर लो। देखो यही बेस है आपका, इसके अलावा मेथड तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है वो मेथड आप भूल भी सकते हो, ट्रिक बोलते हैं इसके लिए, वो भूल भी सकते हो, बेस आपका यही है कैसे पहचानोगे इसके लिए। तो आप कुछ मत करो, ये फ्रैक्शन दे रखी है, ठीक है, नीचे वाले से कर दो ऊपर वाले में डिवाइड, आप करके देखना तो क्या आएगा, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 4 × 8 = 20, तो यहाँ से 0.25 निकल के आया, ठीक है, यहाँ से आएगा 0.5, 0.5 आएगा, आप भाग करके देख लेना, ठीक है, पीछे रफ कॉपी पर, तो 3 पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 3 × 6 = 18 और 3 × 6 = 18, एक और बढ़ाओ 0.66 आ रहा है, ठीक है, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20, तो 0.75 आ रहा है। ठीक है, अब देखो अभी हमने क्या किया था, पहचान करना सीखा था कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। जैसे ही हमने इनके लिए डेसिमल नंबर में चेंज कर लिया, दशमलव संख्याओं में चेंज कर लिया, तो आप आसानी से कर लोगे। आप कहोगे सर अभी आपने बताया था क्या, इन सभी के लिए ऊपर नीचे लिख लो, या आप ऐसा देखो पॉइंट के बाद की, सभी जो पॉइंट हैं उसके बाद की पहली डिजिट देख लो, ठीक है, पहली डिजिट देख लो। आपके लिए इसमें ना असेंडिंग में लगाना है, ना डिसेंडिंग में लगाना है, ना आरोही क्रम में बताना है, ना अवरोही क्रम में बताना है। आपके लिए सिर्फ क्या करना है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन है वो बतानी है, सबसे बड़ी भिन्न। तो जिसका पहली डिजिट सबसे बड़ी होगी वो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है और यहाँ पर 7 आ रहा है। मैं कहूँ 2, 5, 6 और 7 में कौन सा बड़ा नंबर है, तो आप कहोगे सर 7 है, इसका मतलब ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। और ये वाला डेसिमल नंबर किस भिन्न का है, तो आप कहोगे सर इस वाली का है, किसका, 3/4 का, तो 3/4 बेटा क्या हो जाएगी, आपकी लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो आपका इसका ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर बेटा आपका देखिए सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 23/50 इफ वन नंबर इज 46/50, फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, दो संख्याओं को गुणनफल दे रखा है और एक संख्या दे रखी है और कहना है सेकंड संख्या बताओ, तो जल्दी से भाई आप करो, कौन कौन कर सकता है जल्दी देखो। ठीक है, किसका भाई आंसर आया, कौन कर सकता है, यस और नो लिखे जल्दी से। ठीक है, देखो जब इस तरह का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, तो आपके लिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू होता है फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई बाय सेकंड संख्या, ये आपका फार्मूला होता है, इसके लिए आप लर्न कर लो। देखो दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दोबारा लिख देता हूं, गुणनफल बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, या आप बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। ठीक है, अब यहां पर देख लो ये फार्मूला आप लर्न कर लो, इस फार्मूले का बहुत काम आने वाला है और इस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन बेटा आपका कई बार नवोदय एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब जब आप एलसीएम और एलसीएम वाला क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर करेंगे, तब क्या होगा, इसी तरह का आपके लिए फार्मूला देखने के लिए मिलेगा, मतलब वहां पर क्वेश्चन होगा इसी तरह का फार्मूले पर बेस्ड, कैसे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, यहाँ पर फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या है, वहाँ पर एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा,
ठीक है। तो यहां पर देखो दो संख्याओं का गुणनफल, अब क्वेश्चन में आप पहुंचो, जल्दी से क्वेश्चन पहुंचो। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 23/50 है। मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो दे रखी है कितनी, 23/50 बराबर। अब कह रहे हैं फर्स्ट संख्या, यदि एक संख्या क्या हो, एक संख्या मतलब पहली संख्या क्या हो, 46/50 हो, ठीक है। तो कह रहे हैं सेकंड संख्या बताओ, ये वाली संख्या हमसे क्या है, पूछी गई है, पूछी गई है। तो सेकंड संख्या हमसे पूछी गई है, तो उसके लिए हमने ऐसा ही लिख दिया, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब देख लो, अब कैसे सॉल्व करोगे, हमें ये संख्या निकालनी है, ठीक है। तो जो संख्या हमसे निकाली जाती है, मतलब निकल क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये संख्या बताओ, या फर्स्ट संख्या बताओ, या सेकंड संख्या, जो संख्या हमसे पूछी जाती है उस संख्या को आप एक साइड रखो अकेला। कहने का मतलब ये है बराबर के एक साइड रख लो, चाहे इस साइड रख लो, चाहे एक साइड रख लो, मतलब वो रहेगा अकेला, उसके साथ में और कोई भी नंबर नहीं रहेगा। अगर बात करूँ अभी, तो अभी इसके साथ में कौन है बेटा, ये वाला, ये नंबर है या नहीं है, देखो बराबर के साइड क्या है, सेकंड संख्या के साथ में ये नंबर है या नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा हमारे लिए, सेकंड संख्या को निकालने के लिए हमें इस वाली संख्या को, सेकंड संख्या को, इसको अकेला बराबर के इस साइड रखना पड़ेगा हमारे लिए। जो संख्या हमसे निकलवाई जाती है, जिसकी वैल्यू निकलवाई जाए, वो ऑलवेज आपका एक साइड, चाहे इक्वल के इस साइड, चाहे इक्वल के इस साइड, हमेशा क्या रहेगा, अकेला रहेगा, उसका साथी कोई भी नहीं होगा, ठीक है, उसका फ्रेंड जो है कोई नहीं होगा। अब ये क्या है, साथ में इसके, तो हमें कुछ ना कुछ करके क्या करना पड़ेगा, इसे मार के, पीट के, कुछ भी करके हमें इक्वल के इस साइड लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे करके लेकर आओगे, बात ये आती है, ठीक है, ले तो हम जाएंगे, हमें भगाना तो है इसके लिए साइड, लेकिन ले कैसे जाओगे। तो चलो देख लो, अब देखो सेकेंड संख्या, ये तो भाई क्या है, राजा बन गया अपनी तरफ का, कह रहा है भाई अब तो मेरे इलाके में कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरा राज चलेगा। सेकंड संख्या यहाँ पर रही, अब इसके लिए हमें उठाकर इस साइड लेकर आना है। अब लेकर कैसे आओगे, यहाँ पर किसका साइन लगा हुआ है बेटा, मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लाई से साइन से कनेक्ट है, जब इसके लिए हम इधर उठाकर लेकर आएंगे, तो किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लो, अगर प्लस के लिए बराबर के साइड लेकर जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस के लिए साइड लेकर जाओगे प्लस में हो जाएगा, भाग के लिए गुणा में हो जाएगा, गुणा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ये याद कर लेना। जब आप चेंज करोगे प्लस के लिए बराबर के इस साइड ले जाओगे, तो इसका जो दिमाग है ना वो उल्टा हो जाता है। माइनस के लिए बराबर के इस साइड ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, भाग के लिए इस साइड ले जाओगे तो गुणा में हो जाएगा, गुणा के लिए इधर ले जाओगे तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। मतलब उसका दिमाग है वो चेंज हो जाता है दूसरी साइड जाके। तो ये क्या है, अभी गुणा से कनेक्ट है, मल्टीप्लाई से है, तो मल्टीप्लाई वाला इधर जाएगा बेटा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, बराबर के दूसरी साइड किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट देखो क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं, 23/50 और क्या किस में जाएगा, भाग में, गुणा किस में बन गया बेटा, भाग में बन गया, बन गया, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड संख्या बराबर 23/ क्या हो जाएगा, 50, ठीक है। अब क्या करोगे, ये गुणा में है, सॉरी ये भाग में है, तो आपको, आप कहो कि हम इससे डिवाइड कर दें ऐसे ऐसे में, तो कभी नहीं सकते। तो आपके लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा में चेंज करना पड़ेगा। गुणा में जैसे ही चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाते हैं। गुणा में जैसे ही चेंज करोगे इसके लिए, इस साइन के लिए गुणा में चेंज करोगे, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये उल्टा हो जाता है। अभी इस तरह से सीधा है तो ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब नीचे वाला ऊपर पहुँच जाएगा और ऊपर वाला नीचे। आप इसे सॉल्व कर लो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 23 × 23, 23 × 40। तो सेकंड संख्या की बेटा बात करें तो यहाँ से क्या आ जाएगी, 1/2, ठीक है। तो 1/2 क्या है बेटा, आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो, कैसे, आप संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, सॉरी ये फार्मूला है, इसलिए लर्न कर लो। अगर ये फार्मूला लर्न हो गया तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप हवा में उड़ा दोगे। कैसे, संख्या दे रखी होगी पुट कर दो, संख्या दे रखी होगी पुट कर दो, वैल्यू निकाल लो। अगर आपके लिए कैलकुलेशन आती है कि प्लस से इधर जाएगा तो किस में होगा, कैसे आपका डिवाइड होगा, क्या होगा, बेसिक कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी क्वेश्चन करने के लिए,
तो अगर आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी है, सही है, तो इन क्वेश्चनों को धुआं बना दोगे, उड़ा दोगे पतंग की तरह, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर जो बेटा 17 है इसे देख लो। देखो लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ 3/5 केजी इज ऑफ गोल्ड इज 240, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1/2 केजी। ठीक है, कह रहे हैं 3/5 केजी जो गोल्ड है उसकी कॉस्ट कितनी है, उसका प्राइस कितना है, 240 है, उसका मूल्य कितना है, 240 है। फिर कह रहे हैं 1/2 केजी गोल्ड का प्राइस बताना है, कॉस्ट बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो कर लो 3/5, क्वेश्चन नंबर 17, 3/5 किलोग्राम जो सोना है, सोने का मूल्य कितना है बेटा, क्वेश्चन में कहा गया 240 रुपया है। ये 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य कितना है, 240 रुपया है। ठीक है, तो कोई भी चीज का मूल्य पता करने के लिए हमें उसकी एक की वैल्यू पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप दुकान पर गए, आपके डैडी ने या मम्मी ने कहा बेटा जाइए दुकान पर और 5 किलो चीनी लेकर आइए। कितनी, 5 किलो चीनी लेकर आइए। तो आप दुकान पर जाएंगे तो भैया से क्या बोलेंगे आप, दुकानदार वाली दुकानदार भैया हैं उनसे क्या बोलेंगे आप, बोलेंगे भैया 5 किलो चीनी दे दो। उससे पहले एक आपका क्वेश्चन उनसे और होगा, भैया कितने रुपए किलो चीनी दी है, कितने रुपए किलो, मतलब 1 किलो चीनी कितने रुपए की दी है। तभी आप क्या करोगे, अगर 1 किलो चीनी मान लो अगर आपने मिल रही है 30 रुपए की, ठीक है, तो आप कहोगे 1 किलो चीनी यार 30 रुपए की मिल रही है तो 5 कितने की मिलेगी, ज़्यादा की मिलेगी, और ज़्यादा के लिए क्या होगा, हमेशा गुणा होता है, मतलब 150 रुपए की हो गई। तो आपने क्या किया, आपने उन भैया से पूछा, 5 किलो चीनी तो आप लेके लेने गए थे, फिर आपने पूछा भैया कितने रुपए किलो चीनी है, मतलब 1 किलो चीनी का मूल्य आपने पूछा या नहीं पूछा। तो इसी तरह से हमें किसी भी चीज़ का प्राइस निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें 3/5 केजी सोने का मूल्य कितना है, इतना मूल्य है। ठीक है, अब हमें हमें ये नहीं पता है कि 1 किलोग्राम सोने का मूल्य कितना होगा, तो हम एक का निकाल लेंगे। और जैसे ही आप 1 किलोग्राम सोने का मूल्य निकालोगे तो हमेशा जब एक का निकालोगे तो हमेशा क्या होता है बेटा, डिवाइड होता है। तो डिवाइड कैसे होगा, 240, ठीक है, लिख लिया। और किससे करोगे, इस वाले से, अपॉन 3/5। ठीक है, अब जो अपॉन में है वो कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, ऊपर गुणा में पहुँच जाएगा। तो यहाँ से 3 × 3 और 3 × 8 = 24, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 400। मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम जो सोने का मूल्य है वो कितना है, 400 रुपये है। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया कि 1 किलोग्राम जो सोना है उसका मूल्य कितना है, 400 रुपया है, मिल गया हमें। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1/2 कॉस्ट ऑफ 1/2, कह रहे हैं 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे आप 10 किलो चीनी लेकर जाओ, चाहे 50 किलो चीनी लेने जाओ, आप कैसे हिसाब लगाओगे, आप हिसाब लगाओगे कि 1 किलो चीनी 30 रुपये की है तो 50 किलो कितने की होगी, मल्टीप्लाई कर लोगे, या आप 20 किलो चीनी, मतलब कुछ भी लेने जाओ अगर आपके लिए एक की वैल्यू पता लग गई तो आप कितनी भी चीनी ले आओ, कितने भी किलो चीनी ले आओ, आप रुपए का हिसाब लगा सकते हो आसानी से। इसी तरह से हमें एक की वैल्यू मिल गई कि 1 किलोग्राम सोने कितना है, इतने का मिल रहा है, तो हम अब निकालना किसका है, 1/2 का, तो 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 कम होगा नहीं होगा, 1 किलो कितने का मिल रहा है, इतने का मिल रहा है, और 1/2 क्या है, 1/2 क्या मतलब आधा हो गया, तो आधा क्या होगा, कम, कम के लिए क्या होता है, डिवाइड, एक मिनट रुको, सही है, 1 किलोग्राम चीनी कितने की हो रही है, इतने की मिल रही है। ठीक है, तो 1/2 कितने की मिलेगी, 200 की मिलेगी, कैसे, देखो एक किलो चीनी कितनी मिली थी, 30 रुपए की, हमें लेनी कितनी है, 5, तो 5 के लिए क्या करो, गुणा करते हैं हम। ठीक है, हमें 6 किलो चीनी लेनी है तो क्या करेंगे, 30 × 6 करेंगे तभी तो आएगा हमारा। ठीक है, इसी तरह से 1/2 कितना हो जाएगा आपका, 200 आंसर इसका आ रहा है। तो बात करें ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी का डाउट क्लियर हो गया, समस्या सभी की क्लियर हो गई। चलो अब क्वेश्चन नंबर देख लो 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने बेटा आपके लिए कराया है अभी। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा आप आसानी से कर लेंगे। ठीक, चलो अब देख लो क्वेश्चन नंबर, ये वाला 18 आपने आप करना, क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। क्वेश्चन नंबर 19 है 17/21, 17/23, 17/29, 17/25। ठीक है, इसके लिए आरोही क्रम में लगाना है। अभी हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 12 किया था। ठीक है, तो इसमें हमें कैसे करेंगे, एक तरीका ये है बेसिक मेथड, इसमें मैं ट्रिक के थ्रू आपके लिए समझाऊंगा। और बेसिक बेसिक आपके लिए क्या पता है, क्या करना है, नीचे वाले से डिवाइड करके देख लो, इससे करके देख लो, इन सब के डिवाइड करके देख लो, फिर पॉइंट में जो संख्या निकल कर आएगी उसमें देख लो कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। ठीक है, और एक मेथड ये है जब आपका ऊपर वाले पार्ट मतलब अंश वाला जो पार्ट है, न्यूमरेटर वाला पार्ट है इक्वल हो, मैं कहूं इन सभी में आपके लिए इक्वल दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो आप कहोगे बिल्कुल दिख रहा है, कितना है 17, मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है सभी में एक जैसा है, सभी क्या है 17 है, और नीचे वाले पार्ट क्या है अलग अलग है, अलग अलग है नहीं। तो एक बात अब ध्यान से सुन लो, बिल्कुल ध्यान से सभी लोग कॉपी को रख दें, पेन को रख दें, फोकस यहाँ पर, और कान जो है कान होनी चाहिए मेरी आवाज़ की तरफ होनी चाहिए। क्या जब ऊपर वाला पार्ट बेटा क्या हो, इक्वल हो, समान हो, ये कंडीशन कब लगेगी, जब ऊपर वाला जो पार्ट है इक्वल हो, समान हो, बराबर हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले पार्ट में जाना पड़ेगा। नीचे वाला पार्ट क्या है 21, 23, 29, 25, तो नीचे वाला पार्ट एक 21 है, एक 23 है, एक 29 है और 25 है, तो नीचे वाला पार्ट जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा नंबर होगा वो उतनी ही छोटी फ्रैक्शन होगी। बात समझ में आ रही है, 17/29 ये सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। मैंने बताया था ऊपर वाला पार्ट बराबर हो, सभी नंबर इक्वल हो, तो क्या होगा, हमें नीचे वाले पार्ट पर पहुंचना है 21, 23, 29, 25। जैसे ही हम पहुंचे तो हमने देखा कि 29 ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी है, तो आरोही क्रम में लगाने के लिए कंडीशन क्या है, जो संख्या सबसे बड़ी होगी, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, वह भिन्न सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो 17/29 क्या हो जाएगी बेटा, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, इसकी बात, इसके बाद की बात करें तो 29 से छोटा कौन है 25, तो 25 क्या हो जाएगा, ये 17/29 से ये वाली बड़ी हो जाएगी, और जितना छोटा नंबर होगा भाई उतनी ही बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ से 17/25 आ जाएगा। अब बात करें 23 की, तो 17/23 ठीक है, और 17/21, तो ये क्या हो जाएगा आपका आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ये कंडीशंस कहाँ लगेगी, जब आपका ऊपर वाला पार्ट कहाँ हो, बराबर हो, तब आपकी जो हर वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, जितना बड़ा नंबर होगा उसमें वह उतनी ही छोटी फ्रैक्शन होगी, भिन्न होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक बेटा हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और आपकी जो क्लास है लगभग 48-47 मिनट्स की हो चुकी है। तो आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं, और इसी तरह से भाई हम हल्के हल्के धीरे धीरे आसानी से क्वेश्चंस को करते रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी इन क्लास को देखिएगा अच्छे से, दोबारा से देखिएगा समझ में नहीं आ रहा है, और इनकी कॉपी पर एक फेयर कॉपी बनाओ, सभी के लिए नोट कर लो सॉल्यूशन के साथ में। ऐसा नहीं है क्वेश्चन लिखा और उसका ऑप्शन लिखा और टिक कर दिया, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। एक बार क्या ऐसा थोड़ी होता है, आपके सॉल्यूशन भी तो आना चाहिए। कैसे होता है, पेपर में आएगा तो क्या तुक्का आने जाओगे, वहाँ पर पेपर में आएगा, सॉल्व करोगे उसके बाद में उस पर टिक करोगे, तो आपका सॉल्यूशन भी कॉपी में होना चाहिए। इनकी प्रैक्टिस कर लो, जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते, 4-5 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन होते हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करो, टाइम भी कम लगेगा, 5-6 क्वेश्चन करने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। 2 बार लगा दो 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, 3 बार लगाओगे, 3 बार प्रैक्टिस कर दोगे तो आपके 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब प्रैक्टिस करो इनकी, 3 से 4, 4 से 5 बार, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से आपके क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपके लिए आज की क्लास बहुत अच्छे समझ में आई होगी। क्लास समझ में आई हो तो क्लास को भी लाइक कर सकते हैं, अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर सकते हैं बेल आइकन को। तो चलिए अब
मिलते हैं नए क्लास के साथ में, नया जो आगे क्वेश्चन है उन्हें करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।